ये आकाशवाणी का बीकानेर केंद्र है और आप देख रहे हैं यात्री देव। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल यात्री देव व्लॉग पे स्वागत है। और अभी हम बीकानेर से रामदेवरा के लिए पैदल रवाना हो चुके हैं। तो दो साल के कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मेले लग चुके हैं और हम भी बीकानेर से पैदल रवाना हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पैदल रवाना हुए, गाड़ी में नहीं जा रहे, इस बार पैदल जा रहे हो। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बाबा रामदेव बाबा की बहुत ही भव्य मूर्ति, यहाँ पे जो आर्टिस्ट कलाकार महावीर रामावत ने उन्होंने बनाई है। और पीछे भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। अभी समय शाम के 4 बज चुके हैं और अभी बीकानेर से हम रवाना हो चुके हैं। तो भक्तों की भीड़ देख सकते हैं, आज अमावस है, अमावस के दिन हम निकल चुके हैं, कल तक हम कोलाइत पहुंच जाएंगे। तो चुंगी चौकी से हम श्री कृष्ण संघ के साथ, गुसाईसर से जो संघ आ रहा था उसके साथ निकल चुके हैं और अभी आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई यहाँ पे आइसक्रीम की सेवा लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे संघ के नौजवान आते हुए यहाँ पे जय बाबे रे। ये आकाशवाणी का नाल केंद्र है और आप देख रहे हैं यात्री देव। हेलो दोस्तों, अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और हम पहुंच चुके हैं नाल। तो नाल का दृश्य आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और बीकानेर से लोग बाइक पे रवाना होते हुए यहाँ पे, और भक्त भी आज आ रहे हैं। तो बीकानेर से जो पैसेंजर भक्त हैं वो आज निकल चुके हैं। तो आगे का दृश्य आपको दिखाएंगे। जय बाबा रे। फिर से आप सभी का स्वागत है और अभी हम पहुंच चुके हैं नाल। नाल से अभी हम चाय पियेंगे और चाय पी के हम निकलेंगे आगे। तो दोस्तों एक भी सेवा छूटने नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं गांधी प्याओ। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और यहाँ पर बाबा रामदेव के मेले में आप भीड़ देख सकते हैं। शाम का टाइम है, 6:30 बजे हुए हैं और भक्तों की भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देव आवेर भक्ता। बीकानेर से सभी लोग रवाना हो चुके हैं गाड़ियों में, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं हमारी तरह, कुछ लोग आइसक्रीम है खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ गाड़ियों से जाके एक ही भी सेवा छोड़ नहीं रहे हैं।
और ये टैक्सी वाली जो सेवा है ना, ये मेरे को 4-5 बार मिल गई, इसने एक भी सेवा नहीं छोड़ी भाई। सेवा मेरे, सेवा मेरे भक्तों, सेवा मेरे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गन्ने का जूस बन रहा है और भक्तों की भीड़ लाइन में लग चुके हैं सब लोग। आप देख सकते हैं गन्ने का जूस निकल चुका है। सेवा मेरे, सेवा मेरे। दोस्तों गांधी प्याऊ का दृश्य कुछ इस तरह से है और बाबा के दरबार में सभी भक्त निकल चुके हैं। बहुत ही मजा आ रहा है इतनी बड़ी लंबी ध्वजा के साथ। जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरे, जय बाबेरे, जय बोलेंगे। भाई बंधु, माताएं बहने, माताएं पीछे चले जाए, रोटी बनवा दे, हेल्प करें, हमारे पास कुछ सेवादार काम है। जय बाबेरी, बाबा रामदेव। भर पेट खाएं, झूठन न छोड़े, थाली में हाथ ना धोएं, थाली में गिलास में हाथ ना धोएं। जय बाबेरी भक्तों, जय बाबेरी। बाबा रामदेव सेवा समिति टैंक प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो सेवादार है इधर उधर घूम रहे हैं, फिर क्या वो। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और अभी हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे और खाना हमारा बन रहा है। जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो रही है और उधर खीर बन रही है, ड्राई फ्रूट वाली खीर बन रही है। तो आज खीर जलेबी खाएंगे और हमारे हलवाई साहब निकाल रहे हैं जलेबी गर्मा गर्म। तो रेडी हो चुकी है खीर जलेबी, खाने में बहुत ही मस्त है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को। यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग। जय बाबेरी भक्तों, जय बाबेरी।